गुजरात के वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में वर्ल्ड किडनी डे के तहत लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट नामक सेशन का आयोजन किया गया। हर साल मार्च माह के दूसरे गुरुवार के दिन वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। लोगों में किडनी की बीमारियों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस दिन का चलन शुरू हुआ। वडोदरा के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में किडनी डे के तहत लाइफ आफ्टर ट्रांसप्लांट सेशन का आयोजन कर किडनी की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक कर सही जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डॉक्टर मीनाक्षी चौहान और चीफ गेस्ट के तौर पर डॉक्टर मितेश शाह को आमंत्रित किया गया। मेरा नाम क्षितिज आस्था है। मेरा ट्रांसप्लांट 10 अगस्त 2023 को हुआ है। ट्रांसप्लांट के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। मैं पहले की तरह नॉर्मल हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। बहुत अच्छी थी सब कुछ, बहुत डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे, ट्रांसप्लांट की टीम सब बहुत अच्छी, डायलिसिस टीम सब बहुत अच्छे, सबने मेरा पूरा मनोबल बढ़ाया। मैं तो डिप्रेशन में जा रही थी, लेकिन सब लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाया। उसके बाद ट्रांसप्लांट, मैं ऑपरेशन से भी बहुत डर रही थी, लेकिन डॉक्टर माधव ने मुझे मनोबल बढ़ाया मेरा और बोला कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड भी बहुत मेरा साथ दिए, और मेरी मम्मी नहीं होती तो आज शायद मेरा जीवन नहीं होता। अभी मेरा पूरा लाइफ पूरा नॉर्मल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आज स्टर्लिंग हॉस्पिटल वडोदरा के द्वारा वर्ल्ड किडनी डे के निमित्त पे डायलिसिस के पेशेंट और ट्रांसप्लांट के पेशेंट को एक साथ गैदर किया और वर्ल्ड किडनी डे का सेलिब्रेशन किया। स्टर्लिंग हॉस्पिटल ने आज तक टोटल 60 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट सर्जरी की हुई है और पर मंथ 1800 से ज़्यादा डायलिसिस के पेशेंट को वो सर्व कर रहे हैं। हर साल सेकंड थर्सडे, मतलब कि हर साल मार्च महीने में सेकंड थर्सडे के दिन ये वर्ल्ड किडनी डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। नमस्कार। आज 14 मार्च विश्व किडनी दिवस के अनुरूप में स्टर्लिंग हॉस्पिटल वडोदरा के द्वारा जन जागृति अभियान की मुहिम चलाई गई थी। दुनिया भर में मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिन मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि किडनी की बीमारी की जागरूकता फैले, उसके बीमारी के जो चिन्ह है, उसकी ट्रीटमेंट है, उसके बारे में दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में माहिती मिले, ताकि जितना भी हो सके वो इस बीमारी को हो सके उतना एडवांस में डिटेक्ट कर सके और उसको रोक सके, ताकि वो बीमारी की वजह से परेशानी ना भुगतनी पड़े। हमारे यहाँ एक फुल फ्लेज किडनी का डिपार्टमेंट कार्यरत है, जिसमें हर महीने करीबन 1600 से 1800 डायलिसिस होते हैं। करीबन 60 से भी ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप मैचिंग या ब्लड ग्रुप विदाउट मैचिंग के भी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किए गए हैं। गवर्नमेंट की सुविधा जैसे कि आयुष्मान भारत और माँ योजना के अंतर्गत स्टर्लिंग अस्पताल में डायलिसिस काफ़ी अच्छे मात्रा में किए जाते हैं, और डायलिसिस के अलावा भी किडनी के संबंधित जो भी ट्रीटमेंट जो आयुष्मान भारत के अंडर कवर की गई है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। आज के दिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत नॉर्मल सी सर्जरी हो चुकी है, जिसमें रिस्क कुछ भी नहीं है। एक आम जनता में ऐसा माना जाता है कि किडनी देने से वो खुद एक किडनी का पेशेंट बन जाएगा, जो एक गलत मानता है। किडनी देने के बाद किडनी देने वाला आदमी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ज़िंदगी जी पाता है, और जो व्यक्ति किडनी लेता है यानी कि किडनी पेशेंट, ट्रांसप्लांट पेशेंट, उसकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह हो सकती है। मैं डॉक्टर अर्चित पटेल, किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन, स्टर्लिंग हॉस्पिटल वडोदरा।